हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, अभी दोपहर का समय हो गया है। मैं और प्रीति आज फिर जा रहे हैं मार्केट। तो आज हमें जाना है पार्लर में, जो मेन चीज़ है वो करा के आनी है, फेशियल, थ्रेडिंग, और जो ये मूछें आ गई है इन्हें छुपाएंगे किसी चीज़ से, तो वो तो पार्लर वाली बताएगी। तो जी चलते हैं, प्रीति भी लगभग रेडी है और पर्स भी हमने तैयार कर लिया है, पैसा भी लगता है, तो ज्यादा कुछ समय कराना नहीं। तो जी मैनिक्योर पेडिक्योर ये तो हम लोग कराते नहीं, बस मेन मेन सी चीज करा लेते हैं, क्योंकि हम मैनिक्योर पेडिक्योर कराएंगे तो फिर हमारे पैर ऐसे ही हो जाएंगे, हमें तो रोज धूल मिट्टी में ही रहना। अरे एक बार यार, जो रित्ता पड़ा ना, ये तो पूरा घर में ही आ रहा चप्पलों के सहारे थे। तो प्रीति तो एकदम रेडी होगी, मैंने कह रही प्रीति तो इतनी जल्दी रेडी होगी। तो चलो मैं भी फटाफट से कंघी कर लेती हूँ बालों में, और गुड्डू के पापा को मैंने बता दिया है, एक बार फिर बता दूंगी। और अपना फ़ोन मैंने चार्ज कर लिया है, क्योंकि फ़ोन भी करना पड़ सकता है बीच में से ही, मौसम ऐसा ही है कि कोई ना कोई लेने के लिए चला जाए। जल्दी आ जाते हैं ना अपने साधन से। आज मैं और प्रीति फिर से अकेले जाएंगे, और एक तो सामान है हमारा वो भी लेते आएंगे। तो जी अपना पर्स उठा लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अपना फ़ोन रख लेती हूँ, और एक बार गुड्डू के पापा को बोल आती हूँ। बच्चे ऊपर ही हैं, और चुपके से ही बोल के आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हैं जिद कर लेंगे। ये देखो ये कौन सा फैशन है, जूते पहन ले भी, तेरे जूते बाहर ही रखे ऊपर है, ये पहन के जाओगी चप्पलों में, देखे जुराब अजीब सी लगे। तैयार हो ली, हवा ठंडी ठंडी हवा लग रही इसका कई दिन तय, चाहे तो गर्मी हाई गर्मी आ रही, ठंडी हवा लग गई। बच्चे अंदर हैं तो इसलिए आपको चुपचाप ही मैं सीक्रेट तरीके से बताने आई हूँ कि हम लोग जा रहे हैं पार्लर, ठीक है? पार्लर ब्यूटी पार्लर जो भी कुछ है, पार्लर तो आइसक्रीम का भी हो। अच्छा, मुझे पता नहीं था। चलो तो होता होगा, मुझे पता नहीं था। तो हम जा रहे ब्यूटी पार्लर। हाँ जाओ, ठीक है। तो ऐसे पति सबको दे भगवान, पूरी तनख्वाह हाथ में पकड़ा दे और फिर मार्केट जाने के लिए इजाजत दे दे, तो ऐसा पति सबको दे भगवान। माँ हम जा रहे, जाओ बेफिक्र होगा, बेफिक्र एकदम एकदम बेफिक्र होगा, जाओ। जो कोई रोटी मांगेगा तो रोटी भी देंगे, जो शाम को वार होगी तो शाम को बड़ी भी पाओगी तब। ठीक है, जैसा है वार से देर भी होगी। हाँ तो घर की चिंता ना मानियो बिल्कुल भी, ठीक है, बेफिक्र होकर जाओ, है बेफिक्र होकर जाओ। देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसी सास सबको दे भगवान। माँ भी थोड़ी थोड़ी ही तैयार हो रही है आज, तैयार माँ तब नु नु क्या आपके माँ पिताजी एक जगह क्यों नहीं बैठते, एक दिन एक कार्ड बैठ के दिखा दो ना। मैं कह रही माँ का बोलने को तो चाहे कोई कुछ ही बोल दो, करो मर के हिसाब से भी तो चलना चाहिए। हाँ जी, ये देखो जब पोते पोती बड़े हो जाएं, बहुवे आ जाएं घर में, एक जगह खतर एक जगह बैठे बढ़िया लगे। हाँ पिताजी तो या तो वहाँ बैठे रहेंगे या फिर ऊपर जाके लेट जाएं कमरे में। तो फ्री होकर चल दिए हैं अपना, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी सी निभा के, काम वाम की दोपहर तक का तो हो गया। इनका मानू कह रही जो फिर बाद में भूख लगी तो बना अच्छा। के दे दूँ। ये एक तौलिया हमने अपने घर से ले लिया अपना फेस पूछने के लिए, पानी से तो धोना ही पड़ेगा ना जब फेशियल करावे और ब्लीच करावे। तो अब की बार हम जाएंगे पार्लर में, और हर बार तो हम लोग घर पे करते थे एक दूसरे का, लेकिन अब की बार एक नया एक्सपीरियंस लेके देखेंगे। मानू कह रही बढ़िया तो रहो, आराम तक करवा का आइयो, चाहे टाइम कितना लग जाओ, चाहे रात के तुम 8 बजे जाके लानी पड़ी हो, पर बढ़िया डाल सारे काम करवा का आइयो अपने। फिर नूना कह दियो किसी चीज में कसर रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है ठीक है, पता नहीं मजाक में कह रही क्या कह रही है। आज हम लोग जाएंगे बाइक से, तो चलो जी बाइक हमारी तैयार है और अभी चल देते हैं। बच्चों को छोटो छोटो को नहीं बताया, नंदनी सो रही है। सही सलामत पहुंच गए हैं पार्लर में, और अब हमारा मतलब हमारा नंबर आने ही वाला था। एक कस्टमर थे हमारे से पहले, वो लोग करा के चले गए, और एक हमने फोन कर रखा था, मैंने 12 बजे फोन कर दिया था भाभी को कि हम लोग आएंगे आज। हम आज दूसरे पार्लर में आए हैं, जहाँ पर हर बार जाते हैं वहाँ पर नहीं, आज हम दूसरी जगह पर आए हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर भी है, आप इनसे पहले भी मिल लिया, इनके यहाँ पर पार्लर भी है, तो ये पार्लर भी चलाती है भाभी, और ऊन का भी काम है इनका। ये देखिए पीछे ऊन रखी है बहुत सारी, कपड़े बनाते हैं ये ऊन के, स्वेटर, जर्सी, कैप, बच्चों के, बड़ों के, जिसे जो बनवाना हो। सबसे पहले ब्लीच ना? हाँ जी। तो प्रीति का ब्लीच, और उसके बाद में मेरा नंबर।
दोनों का साथ साथ चलता रहेगा तो टाइम नहीं लगने का इतना। वैसे तो हमारी माँ ने ही बोल रखा आराम से करवा के आइयो सारे काम, घर बेफिक्र होगा छोड़ दो। आते ही हम लोगों का नंबर लग गया था और प्रीति का ब्लीच कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में मेरा नंबर लग जाएगा, दोनों का साथ साथ में फेशियल होता रहेगा। वैसे 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं जब ब्लीच फेशियल दोनों कराते हैं, थ्रेडिंग भी करानी है हम लोगों को, तो सारा काम आज ही हम लोग करा कर चले जाएंगे कि फिर बार बार बीच में नहीं आना होगा। और कुछ ना कुछ वैसे भी डेली भी कितना भी सोच समझ के कितना भी हम लोग याद करके आ जाए, लेकिन हमें कई चीज़ें याद रहती ही नहीं हैं, भूल ही जाते हैं। लेकिन आज भी हम लोगों को बाजार में भी जाना है, इधर से इनके घर से मार्केट थोड़ा दूरी पड़ता है, शॉर्टकट में गली से निकल जाएंगे उसका मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले जब आई थी तो उधर से ही निकलकर हम लोग आए थे, इधर की गली मार्केट में पास हो जाती है। तो मैं प्रीति को बता रही थी कि यहाँ से नज़दीकी पड़ेगा, हमें घूमकर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं रिक्शा करनी पड़ेगी। और ये इनकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, एकदम से बहुत बोलती है, हमारी नंदनी की तरह बहुत क्यूट है। और अभी मेरा भी ब्लीच हो जाएगा, उसके बाद में साथ के साथ दोनों का फेशियल। ब्लीच को रखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और ये सब चीज़ें जब कभी कभी कराते हैं तो बहुत ही अजीब सा लगता है हम लोग बसते। अभी मेरा ब्लीच कंप्लीट हो जाएगा, प्रीति का ब्लीच जो है मुझसे पहले हुआ था वो कंप्लीट हो गया, अब उसका फेशियल शुरू हो गया। फेशियल के बाद एक अलग ही ग्लो आएगा 3-4 दिन में, तो अब तो हम मिट्टी के चूल्हे में भी खाना नहीं बना रहे बारिश ने सही काम जोड़ रखा, हमारा भी फायदा है। सारी गंदगी सी तो निकल ही जा, देखो चेहरे पे बहुत सारी जमा हो ही रहे हैं धूल मिट्टी। वो देखो जहाँ हम रह रहे गांव में रह रहे उसमें धूल मिट्टी का काम तो हाँ, और फिर आप लोगों को तो चूल्हे वगैरह का काम सब काम है, धूल मिट्टी का ही है सब, पूरा आंगन खुला हुआ है, खुले घर में तो बारिश होगी तो सारा गंदा और धूल चलेगी तो गंदा। तो वैसे तो औरतों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे हमारे गांव में इतना सारा काम होता है, हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, तो मुझे और प्रीति को तो देखो अपनी बात बताई, ज़्यादा सजने संवरने का भी समय नहीं मिल पाता, वो भी निकालना पड़ता है स्पेशली। जैसे हम लोग नवरात्रि में थोड़ा सा सजे संवरे अच्छा लगता है, और बहुएं तो देखो सज संवर कर ही अच्छी लगती है, तो आज हम दोनों ने सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपना समय निकाल ही लिया थोड़ा सा। तो अभी प्रीति का फेशियल कम्प्लीट हो चुका है, और थ्रेडिंग हम लोग ज़्यादा सेफ नहीं दिलवाते हैं क्योंकि मोटी मोटी सी अच्छी लगती है, और फेशियल के बाद में एक अलग ही लुक आता है, और सारी गंद जो है हमारे फेस पर होती है वो साफ़ हो जाती है मसाज होने के बाद में, और हमारी थकान से भी मिट जाती है। जब हमारी बैक पर मसाज होती है और उसे थोड़ा सा दबाया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है, जैसे हम बहुत ही रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो जी अभी हम लोगों का फेशियल हो गया है, ये देखिए दोनों के चारों पर चमक आ गई वैसे और 3 दिन बाद ग्लो आएगा ना तो उससे और अच्छा चेहरा होगा। काफी टाइम हो गया, 1 बजे पहुंच गए थे, अभी 3:30 बज गए हैं, और वैसे भी हम बोल के आए थे। और ये भाभी जी, मैं दूसरी बार इनके यहाँ पे आई हूँ, सब्सक्राइबर भी है हमारे काफी दिनों से, ये वाले ये हम ये लोग हमारे ब्लॉग देख रहे हैं और उसी के थ्रू हम लोग मिले हैं। ये भाभी है और ये आंटी जी है, बहुत अच्छा नेचर है इनका, और आंटी जी ना बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के ऊन के कपड़े निकालती है, स्वेटर जर्सी भाभी दिखाएंगे अभी, जिसे ऊन भी लेनी हो वो ऊन भी ले सकता है। यहाँ से देखिए ऊन के बड़े बड़े बंडल रखे हुए हैं और बाहर भी लगे हुए हैं, ये देखिए वो लग रहे विंडो पे, यहाँ पे इस तरीके के कपड़े ये हाथों से बुनते हैं, बहुत तरह की ऊन यहाँ पर रखी हुई है, ये देखो हर कलर की ऊन है यहाँ पे, और भाभी दिखाएंगी अभी अच्छे अच्छे सेट जो ये खुद अपने हाथों से बनाती है आंटी। आंटी जी बहुत मेहनत करती है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसमें कैप भी है और ये जुराब भी है, सॉक्स जूते कुछ भी कह सकते हैं इन्हें, देखिए और इतनी सॉफ्ट ऊन है ये, बहुत ही ज्यादा बच्चों को लगेगी भी नहीं, चुभेगी भी नहीं, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो कितना एक से बढ़ के एक। और ये देखिए लेडीज जैकेट भी आंटी जी ने कितनी मेहनत से कितनी सुंदर ऊन की और डिजाइन की निकाल रखी, इसमें पॉकेट भी बना रखी, और ये वाला तो हम लेके जाएंगे, हमें पसंद आ गया, ये तो मुझे पसंद आ गया, हाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही, ये साड़ी पे भी पहन सके और कुर्ते पे भी, बहुत सुंदर बहुत ही प्यारा, ये इस वाले डिजाइन की मेरी मम्मी ने निकाल रखी है, कई सारी है ना ये गुड्डू चिंकी के पास है आंटी ने, वही डिजाइन इनमें ना यहाँ बटन लग जाएंगे, असल में बटन का ये हो जाए ना कि लेडीज को अपनी पसंद के चाहिए, हाँ ये फ्रॉक ली लड़की, अच्छा ये स्वेटर देखिए कितना सुंदर लग रहा इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रही है आंटी जी, देखो बेटा बस कुछ नहीं है तो थोड़ा सा है, एक तो टाइम पास हो जा, देखो
और एक आंटी जी वो ये सब स्वेटर बुनने का ये सब शौक था ना, और ये बस अपना इन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इनका नंबर दे दूंगी। और इन्हें परेशान इसलिए मत करना कि मुझे हमें बबली जी से बात करनी है, बस मैं ये पहले ही बोलूंगी, ठीक कह रही ना, कभी कोई आने लगे और परेशान करे। गौरी ब्यूटी पार्लर है इनका बुढ़ाने में, चांदनी मंदिर के पास, चांदनी मंदिर के पास में। तो आज हम लोग यहाँ पे आए थे, आंटी जी काफी दिनों से फोन पे बात तो हो रही थी मेरी और इनकी, जैसे ही मतलब बच्चों को भी कुछ होता है या सुनील जी को, तो आंटी जी भी एकदम फिगर हो जाती है, फोन करती है, बेटा ध्यान रखना सबका। और एक से बढ़कर एक डिजाइन देखो, ये भी कितने सुंदर सुंदर है बच्चों के, और कैप और सॉक्स साथ में है इनकी। ये देखिए आंटी जी तो अभी भी बातें करती करती भी निकाल रही, कितनी तेजी से इनका हाथ चल रहा देखो। और एक ये एक पार्ट ये निकाल दिया छोटे बेबी के लिए, निकल रहे अभी ये कपड़े ज्यादा, ये देखो हाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है। अगर किसी को भी चाहिए बच्चों के लिए ऊनी कपड़े तो वो ले सकता है यहाँ से, देखो बड़े भी जैकेट भी स्वेटर भी कुछ किसी को बनवाना हो, ऊन भी है इनके पास में और डिजाइन भी एक से एक है। चलो बाय बाय, छोटी है एक इतनी सी है, मौका लगा के आएंगे किसी, ठीक है जब बुआ जी आएंगे उन्हें भी लेकर आएंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा बेटा ड्राइविंग सीखेगा ये लेके आगरा गए सीख ले, ठीक है ठीक है आंटी। उस रास्ते पे से हम लोग मार्केट में निकल गए थे, और ये देखिए यहाँ से लेंगे करवे, जहाँ से हम लोग ना ये लेके गए थे, अभी करवे भी ले लेते हैं, इन वाले ताऊ जी से ही लेके गए थे इस दिन भी, आज भी इनसे ही लेंगे हैं, आज तो ताऊ जी ताई जी को भी लिया है साथ में, आज ज़्यादा है ना त्यौहार चल रहा ना, अभी देख लियो इन्हें चेक करके एक बार ताऊ जी है ना, हाँ 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 जी चलो, अरे ये सब वाला आंटी चल ले ले मौसम तो लवली करा ले ले रीति ले ले क्या लिख रहा है उसमें लव के लिए ही तो है वो बाजार में हमेशा समय ही लग जा, ये देखो हमें 5 बज गए यहीं पे, इसलिए हम घर वालों को कह के आए हैं कि बेफिक्र रही हो, अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो तो हम फोन कर देंगे। अब हम लोग आ गए मार्केट से बाहर, और साड़ी लानी फिर भी ध्यान नहीं रही हमारे, जो फाल लगने के लिए दे रखी जो हमने उस दिन खरीदी थी, चलो जी खैर कल चली जाएगी, गुड्डू के पापा ले जाएंगे। हाँ इतना भी कम सामान कर ले लेकिन फिर भी इतना ही हो जाता है, एक बैग प्रीति के हाथ में और दे दो थैले मेरे हाथ में हो गए। चलो जी अब चलते हैं अपने वाले स्टैंड पे, आओ चलो अब उसे क्रॉस करना, खाली खाली सा लग रहा आज, मंडे है ना ज़्यादातर मार्केट बंद रहती है मंडे में। ये हमारा लक है, हमें ना आते ही ऑटो मिल जाती है, जितनी बार भी हम लोग उड़ाना बाजार में आई उतनी बार ही हमें आते ही मिल गई यहाँ पे ऑटो। है बच्चा छोटा सा और ये हमारा व्लॉग देखता है, डेली देखता है भाई, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और ये हमारे पास के गांव का है देखो, और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोग इसके सामने बैठे, सोचा था तुमने कि हमारे साथ चलेगा? चल हमारे घर चलिए घूम के आइए, इसके पीछे एक और रिक्शा है क्योंकि उसकी बैटरी ख़राब है, चल देखता रह कर भाई, बहुत अच्छा लगा नन्हे से सब्सक्राइबर से मिल गए अपने। 5:30 बज गए घर पहुंच गए, और बच्चों को देखते हैं अभी क्या क्या कर रहे हैं। प्रीति को पहले मेन दरवाजे पर आते हैं, जो मेन गेट है हमारा वहां पर आते डर लगा लगा, पिताजी सामने ही लौट रहे
मैं क्या बहुत लेट आ गए दोनों के दोनों। सब कहते हैं आपके बच्चे कुछ काम नहीं फैलाते। आज तो खैर हम तो पालक लेने जा रहे थे। पालक लाए, पालक हाँ, पालक का साग खाइयो ठीक है। ये यार उसी आते ही प्यार करने लगी। और नंदिनी देखो, मम्मा मम्मा आप कहाँ जा रहे थे, हम पालक लेने जा रहे थे। ये देखो आज नहीं फला रखा इन्होंने ज्यादा काम, आज तो सारा ऐसे ही है। फला रखा नहीं गेर रखा, मैं समझ गई तेरी बात ठीक है। तुझे ले ना, तुझे लेके जाऊंगी। कहे में सैंडविच मम्मी पता अभी सा चाहे इन मुंह पे लगा के बाल उड़ने की रील भी बना। इसकी नहीं बनाते अभी बाद में। वाह आज तो मजा ही आ जाएगा। कहे में तो पूछ लो इसते कहे में होगा मजा, कहे में होगा मजा। अपनी मम्मी को अब तो बुब्बू पियाओगे ना। मैं कैसा बुब्बू पिया था पहले।